एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपाऊ में स्थित सलेमपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 12,000 की आबादी व 4500 वोटरों द्वारा पुष्पेंद्र सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 1200 राशन कार्ड धारक है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 210 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 70 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 500 विद्युत पोल, 20 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व तालाब का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 650 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, खेल का मैदान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुष्पेंद्र चौधरी, ग्राम पंचायत सलेमपुर, ब्लॉक सहपुर, जिला हाथरस। मैंने अपनी पंचायत में जो काम कराया है, इंटरलॉकिंग खरंजा, मनरेगा में काम कराया और तालाब का सौंदर्यीकरण, शौचालय का काम चल रहा है अभी फिलहाल, जो 50 शौचालय तैयार हैं, जो कम से कम 650 के करीब शौचालय बनने हैं ग्राम पंचायत में। मेरी ग्राम पंचायत के लिए मांग है सरकार से, मेरे गांव में एक पंचायत बारात घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, खेल का मैदान, स्टेडियम खेल का, जो स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, अखिल भारतीय प्रधान संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष सैपो हाथरस प्रधानों के लिए मांग कर रहा हूँ कि उनके लिए एक तो हथियार का या लाइसेंस होना चाहिए, ये एक मानदेय रोजगार सेवक से भी कम है प्रधान का, या